नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आईपीसी चैप्टर 2, जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब बेसिक टर्म ऑफ आईपीसी, जो आने वाले चैप्टर में आईपीसी के और आने वाले लॉ के बहुत सारे ऐसे जगह जहां आपको ये टर्म काम आएंगे। आईपीसी चैप्टर 2 कवर करता है सेक्शन 6 से लेकर 52A तक, और मैं 6 से लेकर 35 तक कवर कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे सेक्शन 36 से लेकर 39 तक, टोटल 4 सेक्शन। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है कि इफेक्ट कॉजेज पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। तो देखिए, सेक्शन 32 जब मैं आपको समझा रहा था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक्ट कोई भी होगा, एक्ट मतलब आपराधिक कार्य जो भी होगा, उसमें इलीगल ओमिशन इंक्लूड होता है। ये ऐसा सेक्शन 32 आपको समझाया था कि कोई भी आपराधिक कार्य जहाँ होगा वहाँ पे इलीगल ओमिशन इंक्लूड होता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ कोई आपराधिक कार्य हुआ तो वहाँ तो यही ना मतलब हुआ कि वहाँ लोग कानून को भूल चुके हैं। आपराधिक कार्य इलीगल ओमिशन मतलब क्या हुआ, लीगल मतलब होता है कानूनी, इलीगल मतलब हो गया गैर कानूनी, और ओमिशन का मतलब होता है चूक या भूलना। तो कानून को भूलना है फॉरबिडन ऑफ लॉ, या बोल सकते हैं कानून की चूक या नज़रअंदाज करना। तो जहाँ भी आपराधिक कार्य होगा वहाँ लोग कानून को भूल चुके हैं, तभी तो आपराधिक कार्य कर रहे हैं। तो एक्ट में इलीगल ओमिशन इंक्लूड है, ऐसा सेक्शन 32 में मैं आपको समझाया था। तो कहते हैं जब एक्ट में इलीगल ओमिशन इंक्लूड है तो वो एक्ट भले एक बार में हो या पार्शली वे में हो, उसका इफेक्ट हमेशा सेम रहेगा। चाहे वो एक्ट एक बार में हो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का एक बार में मर्डर कर दिया, मतलब एक मर्डर कर दिया एक बार में, तो उसका इफेक्ट सेम होगा, पनिशमेंट उसे सेम मिलेगी। अब मिस्टर ए ने ये सोचा कि मिस्टर बी को पहले हम किडनैप करेंगे, फिर उसे मन किया तो खाना देंगे, मन किया तो पानी देंगे, और इस वजह से आफ्टर 1 or 2 months मिस्टर बी भूख के मारे ही मर गया। तो इफेक्ट तो सेम हुआ, मिस्टर ए ने जब मारा उसे एक बार में तब भी वो मरा था, और मिस्टर ए ने किडनैप करके मारा फिर भी मरा। यहाँ वो क्या हुआ, वो पार्शली वे में काम किया, एक्ट जो किया वो पार्शली वे में किया, बांट बांट के किया, थोड़े थोड़े टाइम पे इंटरवल पे किया, और काम को करते गया पार्शली वे में। इसीलिए कहता है सेक्शन 36 कि एक्ट चाहे एक बार में हो या पार्शली में हो, पार्शली बाय एक्ट या पार्शली बाय ओमिशन, कानून को आप एक बार भूलें या उसे पार्शली वे में भूलते जाएं, वुड बी द सेम इफेक्ट, उसे अपराध की श्रेणी में सेम ही रखा जाएगा, उसमें कोई पार्शली वे में काम नहीं होगा। कि आप आज एक साल का सजा लेके जाइए, फिर अब कल आइएगा, फिर आपको एक साल की सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है, वुड बी द सेम इफेक्ट, कार्य चाहे एक बार में हो या पार्शली वे में हो, आपराधिक कार्य का इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा। आई होप ये क्लियर हुई होगी। चलिए सेक्शन 37 को समझिए। 37 कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कोऑपरेशन कब होता है, जब मोर देन वन पीपल किसी काम को करते हो, करेक्ट। तो कहता है बाय कोऑपरेशन डूइंग सेवरल एक्ट। अब देखिए, सेवरल एक्ट सेक्शन 34 और 35 में मैंने आपको बताया था, सेवरल पीपल वो होते हैं जो मोर देन वन होते हैं, और सेवरल एक्ट वो होते हैं जहां एक से दो, मतलब मोर देन वन पीपल मिल के कोई प्लानिंग करते हैं, कॉमन इंटेंशन या कॉमन नॉलेज के साथ कोई काम करते हैं, उसे हम सेवरल एक्ट कहते हैं। तो बाय कोऑपरेशन मतलब मोर देन वन पीपल अगर कोऑपरेट करके, आपस में बातचीत करके, आपस में सोच समझ के अगर कोई कार्य करते हैं, और उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण जो ऑफेंस होगा उसका जो पनिशमेंट होगा वो सेवरली होगा, दोनों पर्सन को या मोर देन पीपल जितने भी हैं सब पीपल को सेवरली पनिश किया जाएगा, सबको अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं कि एक पनिशमेंट मिलेगी और एक सारे बंदे छूट जाएंगे, सबको अलग अलग पनिशमेंट दी जाएगी। एम आई क्लियर? जैसे इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए, मिस्टर ए एंड बी दोनों व्यक्ति ये सोचे कि हम जेड का मर्डर करेंगे, मिस्टर ए एंड बी कोऑपरेट करके ये सोचे कि हम जेड का मर्डर करेंगे, और ये सोचे कि हम बाय पॉइजन मर्डर करेंगे, मतलब उसे पॉइजन का पहला डोज हम एक दिन देंगे, दूसरा डोज दूसरे दिन देंगे, तीसरा डोज तीसरे दिन देंगे, और ऐसे करके विद इन 1 month सारे डोज डाल के उसे हम मार देंगे। तो उसका कॉमन इंटेंशन ये था, और उसने सेवरल एक्ट किया, मतलब मिल के एक कार्य किया कि हम मिस्टर जेड को मारेंगे सेवरल वे में, एक बार में नहीं सेवरल वे में, तो दोनों को पनिशमेंट दोनों को अलग अलग मिलेगा, मिस्टर ए एंड बी दोनों को अलग अलग पनिशमेंट मिलेगा। एम आई क्लियर? चलिए सेक्शन 38 को समझिए। सेक्शन 38 कहता है कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, मतलब अपराधी कार्य में किसी पर्सन का कंसर्न शामिल होना ही मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, मतलब उसे अपराधी कार्य में किसी का शामिल होना पर्सन का उसे गिल्टी बना सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए, डिफरेंट ऑफेंस किसी भी ऑफेंस के लिए। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए ए ने बी को प्रोवोक किया, माने उकसाया कि तुम जेड को मारो, और बी ने मार दिया। अब जेड बी को ये पता था अगर मैं मारूं तो वो मर सकता है, लेकिन जेड को ये पूरा पता था कि बी मारेगा तो वो जेड मर जाएगा, तो ए के ऊपर होमिसाइड का केस लग जाएगा, और बी को तो संदेह था सिर्फ कि अगर मैं मारूं तो मर सकता है,
तो उसके ऊपर कल्पेवल होमिसाइड का लग जाएगा। अब देखिए ए के चक्कर में बी फंस गया, तो ए के गतिविधि में क्रिमिनल एक्ट में बी शामिल हो गया ना, तो यहाँ क्या हो गया, मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, तो ये किसी दूसरे ऑफेंस के लिए इसे क्या मिल जाएगा, गिल्टी आ जाएगा, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ये भी पनिशेबल हो जाएगा। तो मिस्टर ए के क्रिमिनल एक्ट में, मिस्टर ए के कार्य में बी शामिल हुआ, इसलिए उसे किसी ना किसी ऑफेंस के लिए इसे भी सजा मिल जाएगी। अब होमिसाइड का मतलब क्या हुआ, होमी का मतलब होता है ह्यूमन बींग, साइड का मतलब होता है किल, मतलब मरना, मतलब ह्यूमन बींग को मारना, इक्वल टू क्या कहलाएगा, मर्डर। और कल्पेबल अगर लग जाएगा तो होता है संदेहपूर्ण, मतलब किसी को संदेह है कि अगर ये काम करें तो हो सकता है इसे मर्डर हो सकता है, ठीक है। इसमें इंटेंशन नहीं रहता है, सेक्शन 38 में इंटेंशन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर भी समझिए, मिस्टर ए ने बी को बोला कि तुम गोली चलाओ पेड़ के पीछे, और मिस्टर बी ने गोली चला दिया, और वहां मिस्टर जेड पहले से छुपा हुआ था, तो मिस्टर जेड मर गया। अब ए को ये बात पता था कि मिस्टर जेड छुपा हुआ है, और वो बी से गोली चलवा दिया, लेकिन बी को ये पता नहीं था कि मिस्टर जेड छुपा हुआ है, तो बी का तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, ना उसे कोई नॉलेज था कि जेड छुपा हुआ, उसने गोली चलाई ए के कहने पर, और वहां मिस्टर जेड मर गया। तो हो सकता है यहाँ दो काम, ए के चक्कर में बी भी फंस गया, इसलिए कहा जाता है क्रिमिनल एक्ट में अगर आप शामिल भी है ना तो आप गिल्टी हो सकते हैं किसी ना किसी ऑफेंस के लिए। तो ए को जो पनिशमेंट मिलेगी वो तो मिलेगी, बी को भी पनिशमेंट मिल जाएगी, समझ गए। चलिए सेक्शन 39 को समझ गया। सेक्शन 39 कहता है वॉलेंटियरली, मतलब स्वेच्छा, किसी के इच्छा के कारण किसी की मौत हो जाना या कोई अपराध हो जाना। अब ये कैसे होता है, पहले इसका मतलब समझिए। वॉलेंटरली उस केस में होता है जहां प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम टू इंटेंड द प्रोबेबल कंसिक्वेंस, मतलब ये मान लिया जाता है कि जो भी अपराध, कंसिक्वेंस ऑफ इज एक्ट, जो भी अपराध करने वो जा रहा है, वहां ये चांस है कि कुछ ना कुछ अपराधी गतिविधि या कुछ ना कुछ अपराध हो सकता है। जो भी वो कार्य करने जा रहा है वहां ये मान लिया जाता है कि कुछ ना कुछ अपराधी गतिविधि या कोई अपराध हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ए ने एक घर में आग लगाया, ए ने घर में आग लगाया ये सोच के कि उस घर में हम रॉबरी करेंगे, डकैती डालेंगे, बहुत सारा वहां से खजाना निकालेंगे। इसके चक्कर में क्या हुआ, पड़ोसी के एक चाचा का डेथ हो गया, पड़ोसी के चाचा को हार्ट अटैक आ गया कि उस घर में मेरा ही सामान रखा हुआ था, उस घर में मेरा ही सामान पूंजीपति था, उस चक्कर में इनका डेथ हो गया। अब इनका डेथ का जिम्मेदार कौन होगा, मिस्टर ए। लेकिन मिस्टर ए को क्या पता था कि हमारे डकैती डालने से या आग लगाने से चाचा जी का जान चला जाएगा, नहीं, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो वो कार्य करने जा रहा था उससे हो सकता है, चांस था किसी ना किसी की मौत हो जाए, क्योंकि वो तो कोई अच्छा काम करने जा नहीं रहा था, वो तो कोई अपराध ही करने जा रहा था, किसी घर में आग लगा के रॉबरी करने जा रहा था, तो मौत तो हो ही सकती थी, ये चांस तो बनता है। इसलिए इसके डेथ के चक्कर में, इसके डेथ के कारण कौन बन सकता है, मिस्टर ए, क्योंकि इसका इच्छा के था ना कि रॉबरी करे, तो इसका इच्छा के चक्कर में किसी का जान चला गया, इसका जिम्मेदार होगा ए, तो ए बन जाएगा पनिशेबल, समझ गए। चलिए रिविजन करते हैं। सेक्शन 36 कहता है कि एक्ट चाहे एक बार में हो या पार्शली वे में हो, वुड बी द सेम इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। ओमिशन चाहे एक बार में हो, आप कानून को फॉरबिडन ऑफ लॉ, मतलब कानून को एक बार लोग चूक करें या भूल करें या उसे पार्शली वे में करें, उसका इफेक्ट सेम होगा। सेक्शन 37 कहता है कि कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट, मिलजुल के कोई भी कार्य करने से अगर काम किया जाता है, अपराधी कार्य होता है वो, तो उसका पनिशमेंट जो होगा दोनों को सेवरली मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। सेक्शन 38 कहता था कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट, कोई भी पर्सन अपराधी गतिविधि में शामिल होता है तो हो सकता है वो भी गिल्टी हो जाए किसी ना किसी ऑफेंस के चक्कर में, इसलिए कहता है कि जहां अपराधी का होता है वहां से दूर ही रहिए, हो सकता है आप भी उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी हो जाए। सेक्शन 39 कहता है वॉलेंटरली, किसी के इच्छा के कारण किसी कोई ऑफेंस हो जाना, तो उसका जो जिम्मेदार होगा तो वही व्यक्ति होगा जिसका ये इच्छा था कि कोई कार्य हम मैं करूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ए ने किसी के घर में आग लगा दिया रॉबरी के चक्कर में, जिसके कारण क्या हुआ, किसी पर्सन का डेथ हो गया, तो उसके डेथ का जिम्मेदार मिस्टर ए होगा, क्योंकि ए को इच्छा था कि हम रॉबरी करें, वहां से खजाना लूट के हम नया वास्को डा गामा बने, ठीक है। तो आई होप आईपीसी की चैप्टर 2 से रिगार्डिंग जो बेसिक टर्म है आपको क्लियर होती होगी। आने वाले वीडियो में इसके आगे वाले सेक्शन में मैं बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।